हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बावजू सोता है तो फरिश्ता उसके जिस्म के साथ लगकर रात गुजारता है। जब भी वो नींद से बेदार होता है, फरिश्ता उसे दुआ देता है, या अल्लाह अपने इस बंदे की मगफिरत फरमा दीजिए, इसलिए कि यह बावजू सोया था। हज़रत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान रात को बावजू जिक्र करते हुए सोता है, फिर जब किसी वक्त रात में उसकी आँख खुलती है और वो अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की किसी भी खैर का सवाल करता है, अल्लाह ताला उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमाते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सोता रह जाए और अपना मामूल या उसका कुछ हिस्सा पूरा ना कर सके, फिर उसे अगले दिन फजर और जहर के दरमियान पूरा कर ले, तो उसके नामे आमाल में वो अमल रात का ही लिखा जाएगा। हज़रत उमर व बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में बंदे से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, अगर तुमसे हो सके तो उस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र किया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स सुबह शाम 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगरचा समुंदर के झाग से भी ज़्यादा हों। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, उसको क़यामत के दिन मेरी शफ़ात पहुँचेगी। हज़रत सुलेमान बिन सर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में जो दूसरों पर नाराज़ हो रहा था इरशाद फरमाया, अगर ये शख्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ ले तो उसका गुस्सा जाता रहे।